वर्ष में दो बार खरमास लगता है। एक तो जब ग्रहों के राजा धनु राशि में प्रवेश करते हैं जिसे धनु मास कहा जाता है, दूसरा जब ग्रहों के राजा से सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो मीन मास कहा जाता है, अर्थात यह दोनों मास खरमास हो जाते हैं जिसमें मांगलिक कर्म वर्जित किए जाते हैं, जैसे शादी विवाह मुंडन इत्यादि कर्म वर्जित हो जाते हैं। किंतु इसी खरमास में अगर जगतपति भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो वो उत्तम रहता है। आगामी 14 मार्च को दोपहर 12:25 पर ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि प्रवेश करेंगे, जो 13 अप्रैल को रात्रि 9:05 तक मीन राशि में ही रहेंगे। यह खरमास का समय सनातन बंधुओं के लिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सर्वोत्तम समय है। उन्हें चाहिए प्रातः काल विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ और लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें, जिससे जगतपति भगवान विष्णु के साथ साथ माता महालक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त हो।